हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट पोस्ट लाइनअप्स प्रीव्यू जहां लाइनअप्स आने के बाद हम दोनों टीम्स की टीम इलेवन को एनालाइज करते हैं और आपको बताते हैं फाइनल बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन अभी मैच होगा एक्वेडोर और जापान के बीच में इन एन इंटरनेशनल फ्रेंडली ये मैच होगा डूसर में जर्मनी में दैट मीन्स न्यूट्रल वेन्यू है दोनों टीम्स के बीच में वंस अगेन इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में अनलिमिटेड सब्सटीट्यूशन हो सकती है कोई भी प्लेयर कभी भी सब्सटीट्यूट हो सकता है नॉर्मली हाफ टाइम पे आप देखोगे काफी सब्सटीट्यूशन हो सकते हैं थोड़ा अनप्रडिक्टेबल हो जाता है शुरू करते हैं हम एक्वेडोर की कंफर्म इलेवन को देख के दे देविल से फोर थ्री टू वन सिस्टम आप उनके ट्विटर हैंडल में देख सकते हैं टीम गालिंडेस होंगे इनके गोलकीपर अगर आप बैक फोर में बात करेंगे बाइफार इनके बेस्ट डिफेंसिव ऑप्शन है S2P9, जो ऑफ कोर्स अब खेलते हैं ब्राइटन एंड ऑलबियन के लिए इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग असिस्ट नंबर्स गोल नंबर्स चांस क्रिएशन नंबर्स डिफेंसिव नंबर्स ही इज द बेस्ट ऑप्शन ओवरऑल बाकी अगर आपको दो और ऑप्शन चाहिए आई वुड से कास्टीलो इनके राइट बैक इज अ गुड ऑप्शन सेकंड बेस्ट आई वुड से और कैपी जो इनके सेंटर बैक है मिडफील्ड में बात करते हैं यू हैव वन वेरी गुड प्लेयर हु इज साइसेडो जो वंस अगेन खेलते हैं ब्राइटन के लिए इन द प्रीमियर लीग रियली गुड सेंटर डिफेंस मिडफील्डर टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट दे सकते हैं ऑल्दो दो समन लाइक जेम एंडर्स इज ऑल्सो समन जो साउथ अमेरिका में काफी वेल हाईली रिगार्डेड है इनकी फ्रंट लाइन मुझे बहुत पसंद है अगर आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर देखेंगे तो मिकेल एस्ट्राडा का आपको नाम दिखेगा ही संबंध जो एक काफी है बट प्रॉब्लम है सो uh, so, इनका मिनट्स आई से थोड़ा सा डाइसी है इवन एंगल मीना एंड इबारा का भी मिनट्स डाइसी है अगर मैं इनको इनको रेट करना होगा आई वुड बी लाइक मिकेल एस्ट्राडा नंबर वन एंगल मीना नंबर टू एंड इबारा विल बी नंबर थ्री अब बात करते हैं जापान की टअप इन फोर टू थ्री वन सिस्टम डेनियल स्मिट होंगे इनके गोलकीपर सो देर इज अज एंड बैट नॉर्मली गोंडा खेलते हैं डिफेंस में बहुत चेंज है इनके जो मेन डिफेंडर्स है वो सारे नहीं खेल रहे हैं सो डिफेंसिवली जपैन इतनी सॉलिड होगी आई एम नॉट श्योर एज द राइट बैक आई वु इन बैक फोर में नागाटोमो इज इजी द बेस्ट ऑप्शन बट वन अगेन क्या आई एम नॉट श्योर इनके सेंटर बैक्स मेंटली एक वीक पॉइंट है इस जपैन टीम का आगे अगर देखें वहां फिर भी डिसेंट ऑप्शन है शीबासा की कम्स इन टीम उनके साथ होंगे टनाका दोनों आपको मे बी डिस पासिंग और डिफेंसिव नंबर दे सकते हैं अटैक वाइज आई एम नॉट श्योर अगर आपको अटैकिंग नंबर चाहिए देन यू शुड गो फॉर एंड दोनों अपने क्लब्स के लिए काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं मीनामिनो uh, ने थोड़ा स्लो स्टार्ट किया अपने सीजन का विद मॉर्को बट हमें पता है इनका पोटेंशियल क्या है दैट्स व्हाई लिवरपूल है और जापान के लिए प्रॉपर टेलेजमेन है रिच्सू डोवान की रीसेंट फॉर्म इज वेरी वेरी गुड इन्होंने बुंदेसलीगा में बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंसेस रिसेंटली करे हैं एंड आई थिंक ही इज अ पोटेंशियली गुड डिफरेंशियल वाइस कैप्टन कैप्टनसी ऑप्शन फुरू हाशी के बारे में बात करते हैं आई रियली लाइक दिस प्लेयर सेल्टिक के लिए खेलते हैं इन द स्कॉटिश लीग एंड आई थिंक इस संबंध मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में विल बी द मेन स्ट्राइकर फॉर दिस जापान टीम ही इज वेरी हाईली रेटेड ही इज इन वेरी गुड फॉर्म एज वेल अब देखते हैं कंफर्मड कॉम्बिनेशन बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच ऑब्वियसली आप देख सकते हैं थोड़ा लाइट ऑन डिफेंस गया हूं सिंपली बिकॉज इक्वाडोर के डिफेंस को मैं नहीं ट्रस्ट करता हूं और जापान का जो मेन डिफेंस है वो खेल ही नहीं रहा है तो so स्टार्ट करते हैं हम फॉरवर्ड लाइन से मैंने पिक किया है विकेल एस्ट्राडा को बिकॉज आई थिंक ही इज मेरे ख्याल से द बेस्ट गोल स्कोरिंग ऑप्शन इक्वाडोर टीम में ऑल मैंने वाइस कैप्टन उनको भी किया है आई हैव आल्सो पिक हु इज अनदर गोड ऑप्शन आई थिंक जपान इस मैच में गोल स्कोर कर सकती है Hashi, मेरे ख्याल से मेरे को काफी पसंद है मैंने स्कॉटिश लीग देखी है आई थिंक इज अ गुड ऑप्शन गुड वाइस कैप्टन ऑप्शन एज वेल इबारा के बारे में आई एम नॉट श्योर मे बी एक्स्ट्रा मिडफील्डर और डिफेंडर आप ला सकते हैं बट आई थिंक दिस कुड बी लाइक वी कुड सी गोल्स इन दिस वन दैट्स व्हाई मैंने उनको पिक किया है मिडफील्ड में आई मीना अगर आप वो अटैकिंग एरिया से बात करेंगे सो एस्ट्राडा के बाद मीना को ट्रस्ट करूंगा फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर ही संबंध जो काफी वेल well रिगार्डेड है एक्वर uh, में भी एंड ऑलो इन द प्रीमियर लीग सो आई थिंक ही संबंध जो काफी हाई लेवल पे ऑपरेट करते हैं कैन गिव यू गुड डिफेंसिव पॉइंट्स मेरे कैप्टन है मीना मीनो क्योंकि मैं जापान को बैक कर रहा हूँ दे कैन डू वेल इन दिस मैच एंड अगर वो स्कोर करेंगे आई वुड से वन ऑफ द हाइएस्ट चांसेस है मीना मीनो का ऑल्दो आई डोंट माइंड अगर आप पे भी पंट लेते हैं बिकॉज करंट फॉर्म में डिट इज इन बेटर फॉर्म मे बी देन ऑल द जापानीज प्लेयर्स सो आई फॉर्मीज प्लेयर जो मैं टीम में तो रिकमेंड करूंगा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी फिर भी दे सकते हैं अगर आप डिफेंस की बात करें आई गॉन फॉर शुड बी योर नंबर वन प्रेफरेंस फिर मैंने पिक किया है जापान के ओनली प्लेयर को जो है नाटोमो ब्राइन का को मैंने पिक किया है एज माय थर्ड डिफेंडर अगर आपको थोड़ा चेंज चाहिए तो आप इबारा को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा जापानीज़ डिफेंडर ले सकते हैं फॉर अ मोर बैलेंस कॉम्बिनेशन एज वेल समवन लाइक मिकी मे एंड डैनियल स्विट को मैंने गोलकीपर पिक किया है सो दिस इज द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर इक्वाडोर वर्सेस जापान इन एन इंटरनेशनल फ्रेंडली थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच स्टे गाइस